पर्दे के पीछे जो तुमने कांड किया है, अब देखिए नरक लगता है वो नरक। सुंदर दिखाना नहीं, बीमारी से लोगों को बचाना है। क्या बोले आपने, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। उसके घर पे कचरा मैं ले जाऊंगी, फिक्र मत करो। बाहर का कचरा था तो बरोबर साफ करते थे। लोग विरोध कर रहे हैं ना, उनको बोलो आओ तुम्हारे परिवार को लेके यहाँ पर। हम हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को यहाँ नहीं रख सकते। कोई नेता लोग हमारी सुनवाई कोई नहीं किया। कोई नींद में से जगा तो गरीब क्यों जगे। कोई बेशरम भी आके बोल देगा ना तो मैं मान जाऊंगी। कचरों के बीच में सोईली मिलेगी, आप लोग को देखना है वो देख लीजिए। मैं शामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें मित्तल ग्राउंड में यहाँ पर अंदर जो है कचरा डाला जाता था, लेकिन यहाँ पे जो सोसाइटी के लोग है इन लोग काफी जो है परेशान थे कचरा डालने से। और रीदा रशीद ने जो है दो दिन पहले ही यहाँ पर जो है विजिट किया था और कहा था कि सोमवार के दिन यहाँ से कचरा हटा दिया जाए, नहीं तो यहाँ पर आंदोलन होगा। आज फिर यहाँ पर तमाम महिलाएं और रीदा रशीद यहाँ पर पहुंची हुई। आप देखेंगे कि जो गेट है ये जो है गेट बंद कर दिया गया है, जो अंदर गाड़ी है वो अंदर है, जो बाहर गाड़ी है वो बाहर ही है, अंदर कचरा डालने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। रीदा मैडम आप यहाँ पर आइए, आज बंद कर दिया गया है ये गेट। देखिए हम लोग ने परसों ही बोला था, दो दिन पहले ही बोला था कि बाबा यहाँ के लोगों को जो तकलीफ है, बाजू में जो बिल्डिंग है इन्होंने क्या किया था, बाहर का जो बाहर कचरा गिरता था जो दिन में साफ हो जा रहा था, इनको बाहर को कुछ लोगों को आंदोलन का बहुत शौक उठा होता है यहाँ पर, क्या बस आंदोलन करने का और जगह को शिफ्ट करने का। वो जगह शिफ्ट होने के बाद किसको तकलीफ है नहीं तकलीफ है यहाँ कोई देखता नहीं है। नहीं देखने की वजह से कचरा अंदर गया और बिल्डिंग वालों को इतनी तकलीफ है कि आज सभी के घर में पेशेंट मिलेंगे आपको। इसलिए हमने परसों ही कहा था भाई ये कचरा उठाओ, क्योंकि कचरा उठाने का इनका कायदा क्या समझाते हैं कि हम लोग डालते हैं छोटे गाड़ी से लाके, बड़े गाड़ी से कचरा यहाँ से जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। आप लोग जाके देखो अभी भी 50 गाड़ी कचरा अंदर गिरा हुआ है, यहाँ भी आप खड़े नहीं रह सकते हो। इसका मतलब है कि लोग बोलते रहेंगे ये कुंभकर्ण के जैसा सोते रहेंगे तो ये चलेगा नहीं। थोड़ी देर में अगर हमको इसका निर्णय लोग नहीं देंगे तो अभी ये महिलाएं जो यहाँ खड़ी है वो कचरे पे दिखेगी आपको। इन लोगों ने आपसे मंगलवार तक समय मांगा था, आप आज सोमवार है, उन लोगों ने मंगलवार तक मांगा था, आज सोमवार है, आप लोग गेट बंद कर दिए, गाड़ी रोक दिए। किसने मांगा था? बाबू भाई मेरे को आज मिल रहे बाबू भाई नहीं, फोन पे बात किया था उनसे, इनसे नहीं, हमने मना किया था, हमने खुला मना किया था कि नहीं होगा। आज यहाँ पर कोई नेता आवे या कोई बड़े लोग आके यहाँ खड़े रह के अपने बच्चों के साथ एक घंटा, मैंने उस दिन भी बोला था, मैं आज भी बोल रही हूँ, एक घंटा यहाँ खड़े रह के दिखाई अपने परिवार के साथ, उसको मैं एक दिन देने तैयार हूँ, मैंने ये बोला था। उसके बाद कोई आया, किसी की आँख खुली, कोई नींद में से जगा तो गरीब क्यों जगे। इनको जबान नहीं है, इनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है क्या यहाँ पर? हमने बिल्कुल मना किया था और आज भी मना कर रहे। आप लोग इसी सोसाइटी में रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। क्या परेशानी क्या हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। ये तो मैडम तो अभी दो दिन से आके बोल के गए, हम लोग तो 4 महीने से आके बोल रहे हैं, मगर कुछ इसका सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हर घर के लोग परेशान है, हर घर के लोग तकलीफ में है, इतनी तकलीफ में ना कि मैं बता नहीं सकती, इतनी तकलीफ है, बहुत तकलीफ में। मैडम आए सबको मालूम है, था सब नेता लोग को मालूम है, मगर कोई नेता लोग हमारी सुनवाई कोई नहीं किया। राजा केनी को भी फोन गया था, उसने भी आया नहीं, उसको हम लोग बहुत बार बुलाए मगर नहीं आया। ये मैडम को मालूम पड़ा, ये मैडम आए हमारे लिए आए, पब्लिक के लिए नहीं, हमारे लिए आए, क्योंकि हम लोग को बहुत परेशानी है। बाबू भाई इन लोग का कहना है कि ये काफी परेशान है जो यहाँ पर कचरा डाला जा रहा है, इसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, कई लोग बीमार है। इन्होंने जो कहा है कि कचरा उठना चाहिए, परसों रीता ताई आई थी यहाँ पे, उसके बाद में हमने उनका ऐसा कहना था कि यहाँ का कचरा उठाओ, यहाँ डालो मत, डालने के लिए यहाँ पे मना ही है सबका, तो हमने अभी यहाँ पे कचरा डालना बंद किया है। बंद नहीं हुआ आ रहा है कचरा अभी भी। तो उसके बाद में यहाँ पे जो आप देखते हैं अंदर की दो गाड़ियाँ लगाई है, हम वो कचरा सीधा गाड़ी में डाल रहे हैं, जो डब्बे वाले आते हैं सोसाइटी के, जैसे ये लोग आते हैं, तो अंदर जो कचरा है डब्बे वाले का, उसके लिए ऐसी दो गाड़ियाँ अंदर खड़ी है, एक वो भर रही है
तो कचरा नीचे गिराने का नहीं, ऐसा हमने अभी सुबह ही बोल दिया है। और यह बात, ये जो कचरा बच का कहना है कि यहाँ कचरा डालो ही मत, तो हमने बंद, तो आप यहाँ आप बोल रहे हैं गाड़ी से लाएंगे, गाड़ी में डाल के ले जाएंगे, तो हम नीचे नहीं डालेंगे। ये जो कचरा है गाड़ी लेकर आएंगे, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में डालेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, जो टिपर आती है, जो टिपर आती है, आप मांगता है तो अंदर देख लो, आप अंदर मैडम खुद आएंगे अभी अंदर। वो जो गाड़ी है, वो जो टिपर है, वो गाड़ी के पास खड़ा रहता है और वो डायरेक्ट गाड़ी में खाली हो रहा है। और ये कचरा उठाने के लिए जो गाड़ियाँ सुबह हमने भरी है, वो बड़ी गाड़ी, वो खाली होने गई है। नहीं, 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 और दूसरी बात, ये क्या बता रहे हैं आप? मैं अभी आप लोग को ले जाती हूँ, कैमरे के साथ ले जाएंगे हम, और बाबू भाई हमको बताएंगे कचरा डाला नहीं है, कचरा आया और उसको हमने बड़े गाड़ी में शिफ्ट किया। ये अभी आंखों देखी बताएंगे, आंखों देखी देखेंगे हम कैसा कचरा डाला है। आएंगे ना, बोलेंगे ना, बोलेंगे भाई, बोलेंगे आप। आइए, एक गेट खोला, हाँ एक खोला, बोलते नहीं है बाबू भाई। ये जो गाड़ियाँ है, ये गाड़ियाँ जो है, ये गाड़ी ऐसी यहाँ पे खड़ी रहती है। आज जैसा कि मैडम ने बताया कि आज कचरा यहाँ पे गिरना नहीं चाहिए, तो सुबह से सब गाड़ियाँ ऐसी खाली होती है। अभी एक गाड़ी भर के गई आपके सामने, ये छोटी छोटी गाड़ी यहाँ पर लगाते हैं, बड़ी गाड़ी से इसमें डालते हैं। हाँ, ये गाड़ी से बड़ी गाड़ी में, ये छोटा गाड़ी से वो आज ही डाला, बरोबर बोल रहे आप। ये वो नहीं, ये बोल रहा हूँ मैं, सुनो ना भाई, आप देखो ये बताओ, क्योंकि बाहर का कचरा था तो बरोबर साफ करते थे, करते थे या नहीं करते थे, बोला हाँ या नहीं, तो क्या, तो फिर अभी क्यों नहीं करते? का खत्म करो, इधर चाहिए नहीं कचरा डब्बा, इधर चाहिए। तो यहाँ पे जो ये गाड़ियाँ है इसमें कचरा खाली हो रहा है और गाड़ियाँ भर के लेके जा रही है, और ये कचरा उठाने के लिए स्पेशल जीसीबी है, जैसा कि मैडम ने और यहाँ के रहवासियों ने विरोध किया है, तो उसके लिए स्पेशल गाड़ी और जीसीबी इधर यहाँ पे। लेकिन बाबू भाई, सोसाइटी के लोगों का कहना है यहाँ कचरा चाहिए ही नहीं। हाँ, तो ये उठाना तो पड़ेगा, ये उठाना तो पड़ेगा। इधर से कब बंद कर रहा है ये बताओ, दूसरी बात, ये आज ही हमने बंद कर दिया है, इधर चाहिए ही नहीं डब्बा, ये पूरा पीछे भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये हमको उठाना पड़ेगा ना, इधर उठा तुम एक महीने से बोल रहा, आज उठा रहा कल उठा रहा, लेकिन कचरा डब्बा कब हटेगा ये बताओ। ये नाला है, ये नाला को देखिए आप, ये नाला है, ये नाला साफ का बात करते हैं, और यहाँ पीछे कचरा देखो, आज सुबह ये कचरा डाला गया हुआ, ये कचरा देखो, और उसके बाद इनको बोलो मेरे को, बाबू भाई को दिखाने कि ये कचरा कहाँ से आया। और ये पहला मित्तल ग्राउंड में मैं भी आई हूँ, यहाँ का हर एक नागरिक यहाँ मित्तल ग्राउंड में आता है, आते रहता है, लेकिन आज ये मित्तल ग्राउंड की हालत देखो, ये स्लोप था, ये पहाड़ ऐसा उतर के नीचे मैदान दिखता था, आज इन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया है। ये देखिए ना प्लेटफॉर्म, आपके नजर से दिखेगा, ये प्लेटफॉर्म बन गया है, इधर से देखिए नाला के नीचे से देखिए, ये नाला ऐसा नहीं दिखता था, ये फ्लैट था, आज ये नाला देखिए कहाँ दिख रहा है, मैडम देखो ये देखो हालत देखो, और ये अभी साफ नहीं हुआ है। अगर ये बाबू, ये जो भी है इनके जवाबदारी जिनके पास है, वो जल्दी नहीं बताएंगे तो बहने कचरों के बीच में उतरेगी, फिर देखूंगी मैं ये लोग कहाँ आके साफ करते। देखो कचरा देखो, बाबू भाई का कहना है कि अभी गाड़ी आ रही, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में कचरा डालकर वो लेके जा रही, बोले यहाँ नहीं उतारे। अरे बाबा, नहीं होने वाला है, आश्वासन के नाम पे मुमरा शहर चल रहा है, मुमरा शहर है ना, अंधों के मतलब हम जनता अंधी हो गई है, ऐसा फिट हो रहा है कि आप अंधे बन के बैठो, बस कर रहे हैं ना, बस कर रहे हैं ना, घर पे पहुंचो हम मारे, लेकिन वो इंसान मर जाता है, वहां पर क्या हो रहा है किसी को कोई खबर लेने का भी टाइम नहीं है, लेकिन जो भी होगा आज होगा, दो दिन का टाइम दिया था हम लोग ने। अब देखिए नरक लगता है, वो नरक, वो दंडल बन गया है बाबू भाई, वो दंडल बन गया है, वहां पर जाऊं ना तो मैं पूरी घुस जाऊंगी। देखिए ना, देखिए हम हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को यहाँ नहीं रख सकते, ये पीछे देखिए क्या हालत है, कौन मेरे को यहाँ आके बोलेगा रुको दो दिन और मैं साफ करता हूँ? कोई बेशरम भी आके बोल देगा ना तो मैं मान जाऊंगी, लेकिन वो बेशरमों को भी शर्म नहीं है रही है क्या? देखो ये देखो
कितना फुट पे बिल्डिंग है, कितने फुट पे है? 10 फुट पे है। 100 फुट की तो बात, ये लोग ने फुट का तो सोचा। बाबू भाई यहाँ रिहायशी इलाका है और इतना बड़ा बड़ा कचरों का अंबार है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, आप कहीं दूसरी जगह बंदोबस्त करिए। हमने दूसरी जगह बंदोबस्त किया है, और रह गया बात जो यहाँ का कचरे का, ये जो कचरे का बात है, आपने देखा यहाँ पे बहुत बड़ा पार था, इनसे पूछे कचरे का, हमने खत्म कर दिया। अभी ये जो है इनके पास पहला वीडियो शूटिंग रहेगा, ये लोग ने पहला वीडियो। 10 फीट के दूरी पे सोसाइटी है यहाँ पर, और यहाँ पर इतना कचरा है, देखिए यहाँ पे कचरा डालना आज से बंद किया है। ये जो कचरा है हम उठा रहे हैं, तो जो कचरा आएगा अभी गाड़ी से वो क्या करेंगे? अरे जाएंगे, अरे आप क्यों नहीं जाएंगे? यहाँ पे जो बोलो आप ऊपर वालों को बुलाओ, नहीं तो ना ये सब सबके अंग पे दिखेगा। टीएम से चलते जाऊंगी, ये अंग पे लूंगी और तेरे को क्या है ये देखिए, ये क्या है, ये पूरा ये मेरे को लगता है बकरे का या चिकन का या जिसका भी, जिसका बकरे का देखो गंदा कैसा गिरा है। देखो ये उठा के बताऊं, उठाऊं मैं ये, उठा के बताऊं मैं ये क्या है, देखिए मैं उठा के बताऊंगी। देखिए ये गंदा गिरा है यहाँ पर भाई, ये इस तरह से है, ये बदबू देगा ना, बाजू में सोसाइटी बिल्डिंग है सब, वो रात में डाला रहेगा, अभी उठा ले, रात में डाला रहेगा, अभी उठा दे। और नाले का जो बात है ना, वो जब जब बोलते हम जेसीबी लगा के पूरा, जब आप कचरा ही यहाँ लाकर डंप कर रहे हैं तो नाले में कचरा जाएगा ही ना। ऊपर वालों को बुलाओ अभी क्या भी, आज से बंद किया, आज से हमने बंद, सब जाएंगे अंदर, को भी बुलाऊंगी अभी क्या भी अंदर। चलो ठीक है, गंदा की देखो यार क्या कहेंगे आप, कितना परेशानी हो रही है आप लोगों को आज यहाँ पर। इसका किस तरह से ये करना चाहिए, जो नियम है कि 100 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए डंपिंग ग्राउंड, उसका तो फिर धज्जिया उड़ा दिए। पॉलीथिन बैंड है या पॉलीथिन कितना है, इसके ऊपर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो अधिकारी वो क्या कर रहा है, सो के बैठा हुआ है, उसने कार्रवाई करना चाहिए। इंसानियत के नाते बोलने के बाद भी एक बाबू भाई यहाँ आ गए है, उनको लगता है ये जवाबदारी एक ही के पास है, यही जवाब देंगे। अब भाई आपके जो अधिकारी है वरिष्ठ अधिकारी, वो लोग क्यों नहीं आते? उन्होंने आए थे, उन्होंने कब आए थे? तो आपका जो पहला हुआ परसों शायद, तो उन्होंने 2 दिन में उठाने का आपको वो मंगल तक टाइमिंग मांगा था, मगर ताई बोले कि सोमवार तक ही है, सुबह हम लोग बंद करेंगे। अभी इतना कचरा है, ये उठाओगे यहाँ से आप? उठाने के बाद दोबारा यहाँ कचरा डाल? नहीं गिरेगा यहाँ पे, जो गाड़ी कचरे की आएगी यहाँ पे नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, नहीं भरने के लिए आएगी ये जो कर, तो फिर वही बात हुई ना, गाड़ी इधर से ये कचरा इसमें से गाड़ी ऐसे आप इधर से उधर करोगे फिर भी बदबू आएगा। ये कचरा बोलवा, सोमवार है ना बोलवा, त्यांचा वेळ झाले 10 वाजता ड्युटी टाइम आहे ना, बोलवा त्यांना इथे, त्याशिवाय मी ऐकणार नाहीये बाबू भाई, मी तुम्हाला बोलते आहे सगळ्यांना बोलवा, त्यांच्या अंगावर टाकते हे गु उचलून। उठाने के लिए गाड़ी तो मांगता है ना, तो वो गाड़ी आए तो आपका कुछ ऑब्जेक्शन है? वो चलेगा, इधर एक भी, सुनिए ना एक भी गाड़ी इधर खाली नहीं होएगा, और सुनो ना अभी टिपर भी खाली नहीं होगा, बस खाली कचरा उठाने के लिए गाड़ी आएगी। 1 से 2 घंटे में जितना जल्दी पारा चढ़ता नहीं है, तब तक जब पारा चढ़ा तुम्हारे जो भी है ना अधिकारियों को मैं वहाँ मिलूंगी, हमारी सभी बहनें वहाँ मिलेगी, कचरों के बीच में सोईली मिलेगी, आप लोग को देखना है वो देख लीजिए, जितना लिमिट क्रॉस करना है ना करो, उनको परिवार को यहाँ ना बोलो, उनको बोलो आओ तुम्हारे परिवार को लेके यहाँ पर, एक बाबू भाई देखेंगे क्या यहाँ पर, पूरा शहर का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है क्या? तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को लाओ, ला ना तुम्हारे बच्चों को, तुमको तुम्हारे बच्चे से प्यार नहीं है? नहीं है क्या प्यार? राम सर भी हमारे बच्चे प्यारे हैं ना? क्या गाड़ी के फाड़के लावा, फाड़के नंतर लावा, ऐसा ना बोलवा देना लवकर। ये बगा, ये देखो, ये मैं मित्तल ग्राउंड में आई हूँ, पहाड़ बन गया है ये देखो, कितना 10 से 12 फुट का पहाड़ है, ये कचरा है, ये मट्टी नहीं है, ये कचरा है।
रीना मैडम, अभी इनका कहना है कि यहाँ पर कचरा आप डालेंगे नहीं, लेकिन गाड़ियों से कचरा आता है तो वो एक दूसरे गाड़ी से बदली करके वो लेके यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पर नहीं उतारेंगे। उन्होंने जो बोला मैंने सुना, अभी आने दीजिए ना बड़ों को भी, यहाँ थोड़ा वक्त उनको भी तो बिताने दीजिए। ऑफिस में ही बैठेंगे, वहां से ही जाएंगे। रोड साफ कर दिया, रोड पे जब ये कचरा था ना, ये साफ हो जाता था। ये 24 घंटे में कचरा साफ होता था, वहाँ दवा डाला जाता था, वहाँ क्लीन हो जाता था, क्योंकि अनेक लोग आने वाले देखते थे। पत्रे के पीछे, पर्दे के पीछे जो तुमने कांड किया है, आके उनको भी थोड़ा वक्त बिताने दीजिए ना। इन लोग को थोड़ा तो महसूस करने दीजिए उनको भी, कि ये लोग कैसा जी रहे हैं, कैसे बीमारी में जी रहे हैं लोग, देख रहे हैं ये तो। इसलिए उनको आने दीजिए, जब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से, वो आएंगे। बोलते हैं ना, कौन सा आश्वासन सबको देने दीजिए। वो देखो, बुजुर्ग चला नहीं जा रहा है, लेकिन वो भी इतने कचरे में आने की कोशिश करे कि मैं भी बोलूं कि कचरा हटाइए करके। वो आएंगे तभी हम लोग जाएंगे। कचरे का नहीं, नहीं, क्या नहीं, 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 आप बताइए तो। लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं सर, मुझे मालूम है, आपको जानना होगा। नहीं, हमने उधर कमिटमेंट किया है, वो बोले है उठा रहे। क्या बोले आपने, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि लोग विरोध कर रहे हैं ना। थोड़ा सा बता दीजिए क्या आपने कहा है वहाँ लोगों। ये जो प्लॉट है, ये म्युनिसिपैलिटी ने ये कंपनी को दिया है, बराबर है, कचरा डालने के और उठाने के लिए। रोज कचरा उधर गिरेगा और रोज उठाया जाएगा। लोगों का विरोध है कि यहाँ पर सोसाइटी है, बदबू आती है, बीमारी फैल रही है। नहीं, वैसी तो कोई बात नहीं है, लोग है ना उधर बोल रहे हैं ना, उनको बुलाइए। यानी कचरा यहाँ बंद होगा डालना या नहीं? नहीं नहीं, वो रोज डाला जाएगा, रोज उठाया जाएगा। तो आपने सुना कि जो अधिकारी आए थे, हालांकि इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन इनका कहना है कि कचरा यहाँ पर जो है रोज डाला जाएगा और रोज उठाया जाएगा। टीएमसी के एक अधिकारी यहाँ पर आए थे, उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पर कचरा डाला जाएगा। वो कह रहे हैं कि कचरा यहाँ पर रोज रहेगा गाड़ी से, हालांकि मतलब पर डे उठा लिया जाए, जितना कचरा है इतना नहीं रहे, ऐसा कहना है। हमने उनको साफ बोल दिया है यहाँ कचरा आएगा नहीं, और ये जो कचरा गिरा हुआ है ये जल्द से जल्द साफ होना चाहिए। और उन्होंने माना भी है, सुबह से कचरा यहाँ पर बंद भी हुआ है आने का, इतना ही है कि कचरा साफ होने को टाइम लगेगा। वही अभी बोल रहे हमको, 1 से 2-3 दिन दो ये कचरा हम साफ करके लेते हैं। वही अधिकारी से अभी मेरी फोन पे भी बात हुई, गोसावी साहब से भी बात हुई, सागर जी से भी बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि थोड़ा टाइम दो ये कचरा साफ करने के लिए, लेकिन कचरा लाने नहीं देंगे। अगर हमने अगर इनको जितना ये लोग टाइम मांग रहे हैं, या इतया या बाबू, ये जितना टाइम मांग रहे हैं वो टाइम में हम ध्यान देंगे कि कचरा साफ हो रहा है। अगर कचरा गिर गया तो ये जो आज हुआ हो रहा, मतलब यहाँ पर दोबारा कचरा डालना ही नहीं है, नहीं डालना है। ये स्पॉट को बंद करो, या फिर जैसा पहले था स्पॉट को बाहर ही करो। वो देखो, सुंदरता दिखाओ मत, सुंदर दिखाना नहीं है, बीमारी से लोगों को बचाना है। लोगों रस्ते को इम्पोर्टेंट मत दो, लोगों के जान को इम्पोर्टेंट दो। लोगों की जान इम्पोर्टेंट है, ये रास्ता इम्पोर्टेंट है, तो रोज रास्ता साफ हो जाता था। लेकिन यहाँ आप लेकर साफ नहीं हो रहा है, डंपिंग हो रहा है, तो इसलिए कचरा अंदर आने दिया नहीं आज हमने, और इंशाल्लाह आगे भी आने देंगे नहीं। अभी इन्होंने बोला है, ये बोल रहे हैं कि हमको इतना दिन दीजिए, मैं साफ करके दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ डंपिंग नहीं करूंगा। कितने दिन समय? 4 दिन में उठा लेंगे पूरा, यानी यहाँ पर कचरा नहीं डालेंगे। हाँ, हम तो बोलेंगे वो डालने का नहीं, साहब लोग को बताएंगे हम लोग। यहाँ पे आप लोगों से बात हुई आपकी? नहीं, अभी पहला उठाने बोला हमको, पूरा क्लीन करने का है। मैडम, अभी एक मानता के अधिकारी आए थे, वो भाग गए, बताए नहीं कुछ, थोड़ा बहुत बोले। क्या नाम था उनका? मोतीलाल साहब थे। उन्होंने कहा कि हमको यहाँ पे कचरा उठाना है और जल्दी उठाने बोला है, और उन्होंने कहा है कि जो छोटा मोटा टिपर रहेगा वो यहाँ खाली होएगा, मगर फिलहाल हम लोग खाली करने का बात नहीं, ये उठाने का ही बात है। पहले ये क्लीन करेंगे, उसके बाद में रीता ताई और ऑफिसर लोग से बात हो जाएगी, मगर पहला उठाना जरूरी है। 3-4 दिन का लोग समय, आज का दिन तो गया, आज का दिन गया। क्यों मालूम है कि सब मेरे माँ बहन है, बहुत अच्छे लोग है, मगर इनको जो जो टाइमिंग बोला ना, उस टाइमिंग में सुबह आके इधर खड़ा रहते है, इसके लिए बोला आज का दिन तो गया, 4 दिन दे दो। क्योंकि कचरा उठाने के लिए मेरे को ये जो गाड़ी है 3 फेरा मारते है, 4 गाड़ी का 12 फेरा होता है, तो मेरे को 2-4 दिन जाएगा। मेरे 4 दिन का समय, जो अभी अधिकारी आके गए उन्होंने बोल के क्या कचरा डालेगा हम लोग इधर,
बोल कचरा डाल के ही गई करेगा। घर पे कचरा मैं ले जाऊंगी, अगर वो कचरा डालने लगाएगा ना उसके घर पे कचरा मैं ले जाऊंगी, फिक्र मत करो। वो बोल के चला गया ना, हम तो डट के खड़े हैं यहाँ पर, तो कचरा नहीं देंगे डालने। अभी इन्होंने बोला है, दो ऑफिसरों ने बोला कचरा बंद कर दिया है, अब ये कचरा उठाने के हमको थोड़ा टाइम दीजिए। कौन सा ऑफिसर बोले? अभी सागर जी से बात हुई है, गोसावी साहब से भी बात हुई है कि अभी ताई इधर से कचरा हम लोग जल्द से जल्द उठाते हैं, कचरा नहीं डालेंगे। और अभी फोन पे भी गोसावी साहब ने उन्हीं को बोला जो गए यहाँ से कि ये स्पॉट पे डालो करके, जो भी हो जहाँ भी डालेंगे, लेकिन लोगों को तकलीफ ना हो ऐसे ही जगह डालेंगे। मुझे इन पे यकीन है, ये अधिकारी जिन्होंने बोला है कि अभी किसी को तकलीफ ना होगी और लोगों से बाहर थोड़ा दूर है कचरा डंप करेंगे लोग। मैडम के ऊपर भरोसा, मैडम ने बोल दिया तो चार दिन सही, हम लोग मैडम के ऊपर बर्दाश्त करें चार महीने से, तो चार दिन और बर्दाश्त करेंगे और दवा ले लेंगे, बट आना नहीं चाहिए कचरा, कचरा नहीं आना चाहिए। हम लोग मैडम के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, मैडम ने बोला है, हमने बात मान लिया। आपने सुना कि जिस तरह से नगर के अंदर जो अपना घंटा गाड़ी आएंगी कि नहीं आएंगी, फिर कहाँ डालेंगे कचरा? शमशान नगर में घंटा गाड़ी आना मांगता है ना, वो इनको बात बोल बोल के जाते हैं, कुछ भी नहीं है। मैं सच बोलती, इतने स्पॉट बन गए हैं, घंटा गाड़ी घरों में जाती नहीं है, लोगों को मजबूरी में बाहर डालना पड़ता है। ये लोग बोलते हैं ना, ये मुमरा के लोग तो ऐसे ही है, मुमरा को लोगों को तो आदत है कचरा फेंकने की। अरे तुम सुविधा दोगे ही नहीं, आप सुविधा दोगे ना तो तुम्हारे घर में लाके एक दिन डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? सुविधा दी है क्या तुमने? घंटा गाड़ी आती नहीं वहाँ, पहले एक्स्ट्रा में बोले कि एक दो बार डाले, फिर बाद में जो बंद किए ना और बोलते हमारी मर्जी से हम आएंगे। क्यों हुआ ऐसा? अपनी मर्जी थी? जब चाचा ने मुझे बताया तो मैंने इनको बोल के गाड़ियाँ चालू की थी, अभी गाड़ी दो दिन से नहीं आ रही है, मुझे मालूम नहीं, अभी इन्होंने यहाँ पे बताया चालू हो जाएगी गाड़ी, आज से चालू, अभी चालू हो जाएगी, सुबह 11 बजे तक, 11 अकड़ा पर्न। कितने बजे टाइम बता रहे? 11 बजे। वो गाड़ी को एक टाइम लगता है रुकने का, तो आप जो टाइम देंगे वो टाइम पे रुकेंगे। 11 बजे? हाँ रुक जाओ, रिकामी जावा अरे ना वसला तो उचला ना एकदम अकड़ाला एकदम डन करा बस। हाँ बाबा, ऐसे मुमरा के कई एरिया जहाँ घंटा गाड़ी नहीं जाती, अभी यहाँ पे हम लोग गाड़ियाँ भेजते हैं। सही है कि लोग कचरा जो है, मगर यहाँ से सुबह हम लोग सब गाड़ियाँ भेजते हैं, अभी हम लोग को तो ये लगता है कि जो कचरा जो आ रहा है वो वही सोसाइटी से आ रहा है जहाँ भेज रहे, मगर जो हमको कम्प्लेट करता है उसके तुरंत हम लोग भेज देते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पर पूरा मित्तल ग्राउंड में कचरे को लेकर विवाद चल रहा है, और यहाँ पर टीएमसी के अधिकारी भी आए थे, हालांकि उनका कहना था कि यहाँ पर कचरा डाला जाएगा, लेकिन रीदा रसीद यहाँ पर पहुंची थी जो महिलाओं के साथ में थी, उन्होंने गोसावी और टीएमसी के और अधिकारियों से बातचीत की है, तो चार दिन का समय मांगा गया है, चार दिन में यहाँ से पूरा साफ सफाई कर दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है कि चार दिन बाद यहाँ पर कचरा नहीं डाला जाएगा। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या वाकई में चार दिन में यहाँ से पूरा साफ सफाई कर दिया जाता है या उसके बाद भी कचरा डाला जाता है, क्योंकि रीदा रसीद का कहना है कि अगर यहाँ पर कचरा डाला गया तो फिर आंदोलन होगा।